नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। इस वीडियो में हम साल 2019 के 10वें महीने अक्टूबर के मासिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। इस राशिफल में हम आपको आपके पारिवारिक, वैवाहिक, आर्थिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे, कुछ रेमेडी भी देंगे जिसका आप इस्तेमाल पूरे महीने में कर सकते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा एक और खास चीज है हमारे पास, वो है आपके लिए नंबर्स जो है अनलकी नंबर्स, हम आपको वो बता देंगे कि आपको किन किन नंबर्स को जो है अशुभ रहेगा, उस नंबर्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि आपके लिए कौन कौन से जो है अक्टूबर में तीज त्योहार आने वाले हैं। 4 अक्टूबर को दिन है शुक्रवार और इस दिन है कल्पप्रभ। 5 अक्टूबर दिन है शनिवार, इस दिन है नवपत्रिका पूजा। 6 अक्टूबर दिन है रविवार, इस दिन है दुर्गा महानवमी पूजा, दुर्गा महाअष्टमी पूजा। 7 अक्टूबर को दिन है सोमवार और इस दिन है शरद नवरात्रि पारणा। 8 अक्टूबर को दिन है मंगलवार और इस दिन है दुर्गा विसर्जन, दशहरा भी है इसी दिन। 9 अक्टूबर को दिन है बुधवार और इस दिन है पांपा कुशा एकादशी। 11 अक्टूबर को दिन है शुक्रवार, उस दिन है प्रदोष व्रत। 13 अक्टूबर दिन है रविवार, उस दिन है अश्विन पूर्णिमा व्रत। 17 अक्टूबर दिन है गुरुवार, उस दिन है संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ भी इसी दिन है। 18 अक्टूबर को दिन है शुक्रवार, उस दिन है तुला संक्रांति। 24 अक्टूबर दिन है गुरुवार, उस दिन है रमा एकादशी। 25 अक्टूबर दिन है शुक्रवार, उस दिन है धनतेरस और प्रदोष व्रत। 26 अक्टूबर दिन है शनिवार, उस दिन है मासिक शिवरात्रि। 27 अक्टूबर दिन है रविवार, उस दिन है दिवाली और नरक चतुर्दशी। 28 अक्टूबर दिन है सोमवार, उस दिन है गोवर्धन पूजा और कार्तिक अमावस्या। 29 अक्टूबर दिन है मंगलवार, उस दिन है भाई दूज। तो दोस्तों, ये सारे जो 30 त्यौहार हैं वो अक्टूबर के महीने में आने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताएं कि आप इनमें से कौन से 30 त्यौहार के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वैसे इन सारे 30 त्यौहारों के बारे में हमारे जो चैनल है एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल, इस पर आपको जानकारियां मिल जाएंगी। चलिए अब जान लेते जल्दी से कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से जो बड़े गोचर हैं वो होने वाले हैं। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगी कि जब भी हम मासिक फलादेश करते हैं तो उसमें सूर्य, सूर्य की स्थिति, सूर्य गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण यह है कि सूर्य एक राशि में लगभग एक महीना ही रहता है, या यूं कह लो सूर्य रोज एक डिग्री चलता है एक राशि में, जिस वजह से 30 डिग्री चलने में उसे 30 दिन लग जाते हैं। इस महीने में सूर्य आपके नीच राशि यानी कि तुला राशि में जाएगा। तुला राशि सूर्य की सबसे नापसंद राशि है, इसीलिए ये महीना जो है एक महीना हर किसी के लिए थोड़ा दिक्कत भरा रह सकता है, अक्टूबर का महीना। इसके साथ ही इस महीने में कुछ खास गोचर भी होने वाले हैं। ये गोचर है शुक्र के 2 गोचर और बुध का 1 गोचर। इन सारे गोचर से जुड़े वीडियोस भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। शुक्र तुला राशि में जाएगा 4 अक्टूबर 2019 को और इसी के बाद 28 अक्टूबर 2019 को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। वहीं बुध ग्रह अपनी राशि परिवर्तन 23 अक्टूबर 2019 को करेगा। इस दिन बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। अब अगर देखें कि कौन कौन सी राशियां जो है वो सक्रिय होंगी इस महीने, तो तुला और वृश्चिक राशियां, ये राशियां आपके जिस भी भाव में जाएंगी वो भाव आपके लिए जो है वो आपका एक्टिव होगा और उन्हीं के अनुसार आपको पूरे महीने भर परिणाम मिलेगा। तो सारे जो है, एक हमने आपको छोटा सा समरी बता दिया कि पूरे महीने आपके लिए क्या होने वाला है, क्या 30 त्यौहार आने वाले हैं, गोचर आने वाले हैं। हम आपको जो राशिफल की वीडियोस की जानकारी देते हैं वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित होती है, एक बार फिर से आपको हमने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस की अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। तो चलिए बात करते हैं अब वृषभ राशि की। तुला और वृश्चिक राशियां आपके षष्टम और सप्तम भाव में आती हैं, जिसकी वजह से आपके भाव जो हैं एक्टिव रहेंगे। इसकी वजह से चलिए जानते हैं कि क्या असर पड़ेगा आपके पारिवारिक जीवन पर। इस माह में पारिवारिक स्थितियां जो हैं अच्छी रहेंगी, एक दूसरे से आपसी सामंजस्य रहेगा अच्छा। घर परिवार में ये जो मेलजोल है इससे आप हर तरह के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए कोशिश करें कि सबको समझें। इस बात को आपको समझने की जरूरत होगी कि जब तक परिवार जो है संगठित होकर रहता है तभी हम किसी क्षेत्र में विकास करते हैं, पारिवारिक जो है उत्थान हो पाता है, इसीलिए साथ रहना, एकता बहुत जरूरी है। लेकिन किसी तरह का परिवार में अगर विवाद हो तो हर तरह की मुश्किलें आ जाती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए पारिवारिक स्थितियों को अनुकूल बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में इस बार जो है इस महीने सफल रहेंगे। माता पिता के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं और माता पिता से सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना आपको बन रही है। भाई बहन सबका सहयोग मिलेगा, सब साथ देंगे आपको। इस महीने में हर तरह की मुश्किलें दूर होने के साथ साथ हर तरह के क्षेत्रों में विकास होने की भी संभावना है।
पारिवारिक सहयोग प्राप्त होने की भी अच्छी संभावना है। फैमिली वाले लोग आपके जो है आपके लिए सहानुभूति रखेंगे, सहयोग करेंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप भी उनके साथ हर कदम पर खड़े हों। इस माह के उत्तरार्ध में कुछ मांगलिक कार्य, पूजा पाठ आदि का आयोजन जो है आपके घर में हो सकता है। यानी कुल मिलाकर आपका जो है पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की, और जानते हैं वृषभ वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना लव लाइफ और मैरिज लाइफ के लिए। प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव उत्पन्न होने की संभावना बन सकती है। अनावश्यक आपके प्रेमी या प्रेमिका में विवाद उत्पन्न हो सकता है। एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हुए एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास रखें, एक दूसरे को प्यार करें। ट्रस्ट और लव, ये दो चीजें आपको बरकरार रखनी है। अनावश्यक किसी की बातों में आने की कोशिश ना करें, अन्यथा प्रेम में जो है आपके संबंधों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और एक दूसरे से दूरियां बन सकती हैं। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी या प्रेमिका पर भी पूरा ट्रस्ट करें। उनके भरोसे से, उनके प्यार से आप अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाएंगे। ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति जो है तनाव का माहौल उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आप दोनों के सूझबूझ से हर तरह की समस्याओं का निदान हो सकता है। इसीलिए किसी की बातों में आने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें, प्यार पर भरोसा रखें, आगे बढ़ने की जो है कोशिश करते रहें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वो भी सही रहेगा, मैरिड लाइफ सही रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध जो है अच्छे होने से उनके जो उनका सहयोग है आपको हर तरह के क्षेत्रों में जरूर मिलेगा। जीवन साथी पर जो है आपको ट्रस्ट करना है, जीवन साथी को प्यार देना है। अगर आपने लंबे समय से उनको जो है उनके बारे में उनका हालचाल नहीं पूछा, तो अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए आपको जो है उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए इस महीने में। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की, पैसों के मामले में कैसा रहेगा वृषभ वालों का अक्टूबर का महीना। इस माह में आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो रही है, क्योंकि गुरु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहा है, जो आर्थिक लाभ प्राप्ति की दृष्टि से बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। आप जिस किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहां भी जॉब करते हैं, उसमें पूर्ण विश्वास के साथ करने की कोशिश करें, पूरा अच्छे से करें काम। आपको कामयाबी जरूर मिल सकती है अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर बिजनेसमैन हैं आप, तो व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, निवेश का सोच रहे हैं, तो आपको इस माह के उत्तरार्ध में जो है वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट के लिए माह का उत्तरार्ध सही है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। आप अपने मकसद में जो है कामयाब हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सफलता जो है आपको जरूर मिलेगी। यह जरूर है कि आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में कुछ विलंब होगा, थोड़ा लेट होगा, लेकिन सफल जरूर रहेंगे आप। इसीलिए स्थिरता और गंभीरता पूर्वक किसी भी काम को करें जिससे आपको कामयाबी अच्छी मिले, और ऐसा इस माह संभव भी है। अपने सगे संबंधियों से सामान्य व्यवहार रखें और धन के आदान प्रदान पर नियंत्रण रखें। मतलब लेन देन जरा सोच समझ कर इस महीने वृषभ वालों को करना है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की। इस माह में आपको कफ, बलगम, फेफड़ों से संबंधित और हृदय से संबंधित किसी तरह का विकार उत्पन्न हो सकता है। आपको अनावश्यक किसी तरह का वायरल फीवर इत्यादि भी हो सकता है, इसीलिए इस माह अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आपको कोशिश करनी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी तिथियां आपके लिए शुभ नहीं है। तो इस माह में 5, 6, 14, 15, 23 और 24 तारीख, ये जो है 6 डेट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये डेट्स आपके लिए अनलकी हैं, उतने शुभ नहीं है। इन डेट्स का जो है आपको पूरा ध्यान रखना है। आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि इन डेट्स के अलावा जो है अगर आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो किस समय पर आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उपाय के बारे में, रेमेडी क्या करनी है इस पूरे महीने। मेडिटेशन और योग का सहारा लें और उनका समय से और सही तरीके से पालन जो है आपको करना है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, शिव जी की आराधना करें, सजावट की जो चीज़ें होती हैं उसको मंदिर में दान करें, डेकोरेशन वाली चीज़ें। मंदिर में सहयोग के साथ साथ सेवा भी करें। ये कुछ चीज़ें करते हैं तो आपका अक्टूबर का महीना पक्का अच्छा बीतने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना। हमने बहुत सारी जानकारियां आपको दी हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया इस वीडियो में कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से तीज त्यौहार आएंगे, कौन कौन से गोचर होने वाले हैं, जो ग्रहों का गोचर है, ट्रांजिट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके आधार पर हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन सारे गोचर की वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, आप ज़रूर देख सकते हैं। वहाँ पर जान सकते हैं क्या क्या जो है गोचर के दौरान जो है सभी 12 राशियों की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे। इसके अलावा हमने आपको उपाय बताए हैं, रेमेडी बताई है, जिसका इस्तेमाल आपको करना है अक्टूबर के महीने
को बहुत अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी दूर करने के लिए। एक और चीज़ जो हमने आपको अशुभ तिथियां बताई हैं, जो अनलकी डेट्स बताई हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। इन डेट्स को छोड़कर आप बाकी किसी भी डेट पर कुछ अच्छा काम शुरू करने जा रहे हैं और आपको पता नहीं कि किस समय पर करना है, तो आप हमारी डेली हॉरोस्कोप की वीडियो पर जाकर और वहां से आप जो है लकी टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त निकाल सकते हैं। वहां पर एक पंचांग का सेगमेंट है जिसमें हम आपको हर दिन का अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय और राहुकाल यानी कि अशुभ समय बताते हैं, तो आप जो है वहां से शुभ समय निकाल सकते हैं। और आप इन डेट्स को छोड़कर बाकी किसी भी डेट पर कुछ काम कर रहे हैं तो जो है आप शुभ समय के अनुसार कर सकते हैं। बाकी जितने भी तमाम दर्शकों का बर्थडे है अक्टूबर के महीने में, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और कोशिश करें अच्छा काम करने की, अपने आसपास सफाई रखें, लोगों के जो है दिलों में अपनी जगह बनाएं। बाकी जितने तीज त्यौहार आने वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े जैसे कि भाई दूज है और भी बहुत सारे तीज त्यौहार आने वाले हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जितने भी त्यौहार हैं उन सभी की भी आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जो है इन त्यौहारों को मनाएं, प्यार से रहें, किसी के लिए मन में कलेश न रखें। और साथ ही अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियां, ये सारी जानकारियां पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी मेष राशि है एरीज है, उनको भी पता चले कि अक्टूबर का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, तो उनके साथ शेयर करें। हमारे चैनल एस्ट्रोसेज YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको बार बार जो है हमारे चैनल पर विजिट ना करना पड़े हमारी वीडियोस को देखने के लिए। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिल जाएगा और आप एक टैप से आसानी से हमारे सभी वीडियोस को देख सकेंगे, तो इसके लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना बेहद जरूरी है। अक्टूबर का महीना आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। वीडियो को खत्म करेंगे उससे पहले आप सभी को एक चीज ये सलाह देना चाहेंगे कि जितना ज्यादा हो सके आप पेड़ पौधे लगाएं, आसपास सफाई रखें, अच्छे इंसान बने, अच्छाई की तरफ जो है काम करते रहें, लोगों की मदद करें, क्योंकि आपका जो जीवन है, आप जो धरती पर आए हैं इसको भी आपको सार्थक बनाना चाहते हैं तो लोगों की मदद भी करें। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।